परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2D के अंदर डायग्राम बनाए साथ साथ, ये M1 बॉल है मूविंग विद यू, और सपोज ये बॉल रेस्ट पे पड़ी हुई है, मान लो ये ना ये डायग्राम वर्टिकल नहीं है, डायग्राम हॉरिजॉन्टल है, टेबल के ऊपर दो बॉल्स हैं, एक रेस्ट पे है, एक आ रही है हिट करेगी, एक बॉल टेबल पे इधर जाएगी एक इधर जाएगी। तो डायग्राम मैं ऐसा बना रहा हूँ, तो डायग्राम में इमेजिन करो कि एक बॉल यहाँ जा रही है और दूसरी बॉल यहाँ पे आ रही है कुछ ऐसे, ये बॉल मान लो M1 है, ये बॉल मान लो M2 है, तो ये बॉल आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ V1 और ये फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है V2। ठीक है, तो क्योंकि ये कोलिजन किस में है 2D में, तो टोटल मोमेंटम किसी भी कोलिजन में क्या रहेगा कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम क्योंकि 2D है एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा, तो एक्स का मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा और इस केस में वाई का मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, दोनों मोमेंटम कांस्टेंट होगा एक्स के लॉन्ग भी और वाई के लॉन्ग भी। ठीक, क्योंकि अगर एक्स के लॉन्ग मोमेंटम कांस्टेंट होगा वाई के लॉन्ग कांस्टेंट, तभी तो टोटल कांस्टेंट होगा और हमने टोटल कांस्टेंट करना है क्योंकि क्वेश्चन 2D का है, तो एक्स में अलग चलेगा वाई में अलग चलेगा। ठीक है यहाँ तक, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ना कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे। और एक और चीज़, लेट अस सपोज ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2, θ1 एंड θ2, ठीक, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, M1 V1 का एक कॉम्पोनेंट यहां बनेगा जिसकी वैल्यू है M1 V1 cos ऑफ θ1, और एक मोमेंटम यहां बनेगा M1 V1 sin ऑफ θ1। उसी तरीके से M2 V2 का एक कॉम्पोनेंट यहां पे बनेगा जिसकी वैल्यू है M2 V2 cos ऑफ θ2, और एक नीचे बनेगा जिसकी वैल्यू है M2 V2 sin ऑफ θ2। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ कर लें, ऐसा हमने पहली बार किया था जो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन किया था उसमें एग्जांपल दिया था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ें रखूँगा जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने मोमेंटम के तो कॉम्पोनेंट्स बनाई लिए हैं तो मुझे ये कुछ चाहिए नहीं है। मैं ये हटा रहा हूँ, मैं θ1 ये मुझे नहीं चाहिए, राइट, ना मुझे θ2 चाहिए, ये लो। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर, आपको ज़रूरत नहीं है बस समझाने के लिए। तो अब एक चीज़ बताओ कि क्योंकि मैं इसके अंदर क्या बोल रहा हूँ कि मोमेंटम कांस्टेंट है एक्स का भी और वाई का भी, राइट, तो मैं इक्वेशन देखो कैसे बनाऊँगा, पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन बनेगी, देखो क्या टक्कर से पहले फर्स्ट बॉल का एक्स के अलॉन्ग मोमेंटम क्या है, m1 into u, इस बॉल का मोमेंटम क्या है m2 का क्या है, जीरो, एक्स एक्सिस में, एक्स में देखने, फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का एक्स में कितना है m1 into v1 into cos of θ1, और इसका कितना है m2 into v2 into cos of θ2। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया, टक्कर से पहले टक्कर के बाद मोमेंटम सेम। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट है वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस में फिर दोबारा चलते हैं, टक्कर से पहले वाई का मोमेंटम क्या है इसका, जीरो, क्योंकि मूवी एक्स में कर रही है वाई में मूवी नहीं कर रही, और ये रेस्ट पे पड़ा है तो इसका मोमेंटम क्या है, जीरो। कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉल का मोमेंटम ऊपर की तरफ m1 v1 sin of θ1, और नीचे की तरफ -m2 v2 sin of θ2, क्योंकि डाउनवर्ड है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, m1 v1 sin of θ1 = m2 v2 sin of θ2, सेकेंड इक्वेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो एक्स का मोमेंटम अलग हो गया, वाई का मोमेंटम अलग हो गया, दो इक्वेशंस हो गई। तीसरी इक्वेशन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है,
तो टक्कर से पहले एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर, एनर्जी इज अ स्केलर, इसमें वेक्टर की जरूरत ही नहीं है, तो इसकी एनर्जी कितनी है? हाफ एम वन इंटू यू स्क्वायर, इसकी क्या है? जीरो। आफ्टर कोलिजन हाफ इंटू एम वन इंटू वी वन स्क्वायर और हाफ इंटू एम टू इंटू वी टू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थ्री। काइनेटिक एनर्जी के अंदर वेक्टर लेना ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी सेम कर दो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। तो कोई भी क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आएगा इलास्टिक कोलिजन इन 2D पे, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, बस यही है, तो तीन इक्वेशन यही बनेंगी हर क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है, वहाँ से सॉल्व होगा, वी वन वी टू वहाँ से सॉल्व होगा। तो आगे का कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक्स में अलग है, वाई में अलग है और एनर्जी अलग है, बात खत्म हो गई। ठीक है, इसमें तो इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ जब आएंगे तो ये इक्वेशन आपको हेल्प तो करेंगी, पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, उसका रिजल्ट हम शॉर्टकट याद करेंगे। तो आप लिखें फॉर्मूला बुकलेट में लिख लें चाहे तो, वो क्या कि इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इन 2D इफ एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम, यानी कि मासेस आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं सेम प्रॉब्लम यहाँ पर ड्रॉ करूँ, इसके अंदर जो मासेस हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो ये मास m है मूविंग विद u, और ये जो मास है वो किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट, रेस्ट। तो आफ्टर कोलिजन एक मास मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 और दूसरा मास इधर मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v2 मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू। तो अगर आइडेंटिकल मास है, याद रखना, तो वेलोसिटी एक्सचेंज इसमें नहीं चलती, वो 1D में चलती हैं, तो थीटा वन और थीटा टू का जो सम है वो इक्वल टू क्या होगा? पाई बाय टू। ये नोट करें, दो बॉल्स हमेशा सेपरेट होंगी बाय एन एंगल ऑफ कितना? 90 डिग्री, ये रूल है। तो जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि एक दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 2D कोलिजन है, एक बॉल चली गई x के साथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, तो बोलो दूसरी बॉल नीचे कहाँ गई? मेकिंग एन एंगल ऑफ 60, क्योंकि टोटल एंगल क्या होगा? 90। ठीक है यहाँ तक। अब इसका प्रूफ, इसके प्रूफ के लिए आपकी जो असाइनमेंट है उसके अंदर ये प्रूफ किया हुआ है, दो लाइन करेंगे, कुछ खास नहीं। मोमेंटम कंजर्वेशन सेम है, जो हमने अभी पीछे मोशन इन 1D किया था ना, उसमें तीन इक्वेशन बनी थी, हमने इक्वेशन बनाई थी m1 m2 को लेके, उसमें m1 और m2 को m पुट कर दो, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में m1 m2 को m पुट करोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, मास कट जाएगा, फिर ऐसी इसके अंदर m कट जाएगा, तो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन, एनर्जी के अंदर m कटेगा तो थर्ड इक्वेशन। तो सेम रूल है, सेम इक्वेशन है 1, 2, 3, तो तीन इक्वेशन आ गई। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है इसमें? v1 into cos of theta 1 plus v2 into cos of theta 2 is equal to u, मान लो फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन ये है। तो आप एक काम करें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दें, तो इससे क्या होगा? इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। ये देखो, ये मैंने किया स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। फिर इसे ओपन करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू यू स्क्वायर। इसमें से कॉमन निकलेगा ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसमें से v1 स्क्वायर कॉमन, तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसमें से और इसमें से v2 स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो v2 स्क्वायर बच गया। इन दोनों टर्म में से -2v1v2 कॉमन, तो क्या बचा? sin θ1 sin θ2 -cos θ1 cos θ2 इक्वल टू यू स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन से ये इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन में यू स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के इक्वल है, तो कैंसिल हो गया,
और ये पूरी टर्म इक्वल टू जीरो हो गई। मेडिकल के लोग समझ लें, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, मैथ्स में कराया जाता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला साइन कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू जीरो, तो कॉस ऑफ थीटा जब जीरो होता है तो थीटा क्या होता है पाई बाई टू। इसका प्रूफ नहीं आता, बट आपको जो मैंने शॉर्टकट करवाया वो आप नोट करें। प्रूफ सिर्फ इसलिए बताया कि इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं घर पे, पर अदरवाइज करना क्या है समझ में आ रहा है, शॉर्टकट नोट कर लिया सबने, ठीक है ओके। इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन या कैसे भी कर लें, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपने कॉम्पोनेंट्स ही ड्रॉ करने और तीन इक्वेशंस ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट?